हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिलीवरी के बाद लगभग 40 दिनों तक महिलाओं को कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखो, डिलीवरी के बाद ना महिलाओं को पहले की तरह रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी 40 दिनों तक ना महिलाओं का शरीर बहुत हद तक रिकवर हो जाता है। तो इस बीच महिलाओं को खाने पीने का बहुत सा चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और ख़ासतौर से खाने पीने का, क्योंकि खाने पीने से ही महिलाएँ कितनी जल्दी रिकवर होंगी इसका पता चलता है। अगर आप गलत खान पान रखेंगी तो आपको रिकवर करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे की देखभाल करनी है, आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो आप जो भी खाएंगी वो दूध के माध्यम से आपके बच्चे को मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप गलत चीज़ें ना खा लें, जो भी खाएँ हेल्दी खाएँ। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दाल के बारे में। तो आपको डिलीवरी के बाद अरहर चना और उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे गैस बनने की समस्या होती है और ये काफ़ी टाइम में पचते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मूंग की दाल खा सकते हैं, मसूर की दाल खा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दाल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि गाढ़ी दाल खाएंगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो दाल ऐसा हो जिसको कि आप पी सकें, वो दाल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डेली आपको दाल पीना है, एक कटोरी दाल डेली पीजिए, हो सके तो दो पीजिए, और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और शरीर को रिकवर जल्दी से कर देते हैं। तो मूंग और मसूर की दाल आपको इस समय लेना है, ठीक है। देखिए, डिलीवरी के बाद ना आपको मैदा वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए, आपको बेकरी वाली चीज़ें भी कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि इनसे गैस बनने की समस्या होती है, मोटापा होने की समस्या होती है, और ये शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, तो इनको मत खाइए। इसके अलावा आपको इस समय आलू भी नहीं खाना चाहिए, आलू भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो हरी सब्जियां खाइए, आलू मत खाइए, ब्रोकली मत खाओ, पत्ता गोभी फूल गोभी मत खाओ, ये भी आपके लिए इस समय नुकसानदायक होते हैं। और हाँ देखो, इसके अलावा इस समय आपको मीट नहीं खाना है, कच्चा केला नहीं खाना है, इसके अलावा इस समय आपको खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी है, नींबू है, टमाटर वगैरह है, तो उसको भी आप कम से कम खाइए। और हाँ देखो, इस समय ना आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, दही वगैरह है उसको बिल्कुल मत लीजिए, फ्रीज से निकला हुआ कोई भी सामान मत लीजिए, पानी भी आपको गर्म पीना चाहिए, चाहे गर्मी का महीना हो चाहे सर्दी का महीना हो, आप कोशिश करें कि गर्म पानी ही पिएं, और 40 दिनों तक आपको गर्म पानी ही पीना है, वो आपको बहुत जल्दी ठीक कर देगा। बहुत सारी महिलाएं अजवाइन का पानी पीती हैं, कोई सौंफ का पानी पीता है, कोई दालचीनी का पानी पीता है, तो जैसा भी आपके यहाँ पानी पिया जाए आप वैसा पानी पीजिए, और कोई सा पानी नहीं पिया जाता है तो गर्म पानी पीजिए। बहुत सारे बॉटल आते हैं जिसमें कि पानी गर्म रहता है, तो उसमें एक बार करके रख लो और उसको पीते रहो। तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, कोई भी ठंडी चीज़ें आपको इस समय नहीं खानी है, दही नहीं लेना, चावल नहीं लेना, ये भी आपके लिए इस समय नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद आपका खाना बिल्कुल सिंपल सादा होना चाहिए, बिना मिर्च मसाले का। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा मसाले वाला खाना खाती हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए तीखा मसालेदार खाना बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा डिलीवरी के बाद आपको अपने खाने में कम से कम तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, जितना कम तेल आप खाएंगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाना नहीं खाना है, ज़्यादा तेल नहीं खाना है, देसी घी आपके लिए बहुत अच्छा इस समय रहता है, तो देसी घी का सेवन आप कर सकती हैं, लेकिन सिजरियन डिलीवरी हुई है तो डॉक्टर से एक बार बात कर लें, उसके बाद आप देसी घी का सेवन करें। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप बहुत ही आराम से देसी घी का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे हलवा बनाया जाता है, लापसी बोलते हैं, काफ़ी पतला होता है, उसमें घी डाला जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो वो हलवा खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाते हैं, आप उसे खा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा घी डाला जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे कि केपका बोलते हैं, कुछ लोग पंजीरी बोलते हैं, उसको भी आप डिलीवरी के बाद ज़रूर खाइए, बहुत जल्दी आप रिकवर करेंगी। देखो, बहुत सारी महिलाएं ना शराब सिगरेट ड्रग्स या फिर कोई और भी नशे वाली चीज़ें लेती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में बंद कर देती हैं, और जैसे उनकी डिलीवरी होती है वो फिर से नशा करना चाहती हैं, तो आपको इस समय नशा वाली चीज़ें भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए आपके बच्चे दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। और हाँ देखिए, बहुत सारी महिलाओं को चाय और कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बहुत मज़ा आता है चाय और कॉफ़ी पीने में, तो डिलीवरी के बाद आपको चाय और कॉफ़ी भी कम से कम पीना चाहिए, दूध पीजिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाय पीने का मन है तो बहुत थोड़ा सा पीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो चाय और कॉफ़ी का सेवन भी कम से कम ही करें। और हाँ देखो, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना पसंद करते हैं, तो डिलीवरी के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं पीना है, आपको
सिंपल पानी पीना है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप फलों का जूस पी सकती हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ताजे फल खा सकती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं, दलिया खा सकती हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओट्स ले सकते हैं। रोटी खाते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ही पतली एक या दो रोटी खाइए, दाल लीजिए और जो भी हेल्दी चीज़ें आपको वो लेना है, बाकी क्या नहीं लेना है मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि आपको और क्या क्या नहीं खाना है। जितना हो सके हेल्दी चीज़ें खाइए ताकि आप जल्दी से रिकवर हो सकें। और हाँ देखो, अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई सा भी मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपको शरीर में कहीं दर्द होने लग जाए या फिर कहीं और परेशानी होने लग जाए। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएँ सोचती हैं कि दर्द का दवा ले लो और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये आपके बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो इसलिए बिना डॉक्टर से पूछे कोई सा भी मेडिसिन ना ले, उनसे पूछने के बाद ही कोई सा भी मेडिसिन आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद आपको इन चीज़ों का ही सेवन नहीं करना है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।